हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट पे, जो कि है 300 मीटर्स की लॉन्ग पेंटिंग बनेगी लाइव, जहाँ पे आएंगे बहुत सारे आर्टिस्ट। और ये इवेंट रखा गया है हमारे राम मंदिर स्थापना के उपलक्ष में। सो आप सभी जानते हैं कि आजकल राम की महिमा चारों तरफ गूंज रही है और राम ही राम हो रहे हैं सब जगह। राम मंदिर की स्थापना हो रही है। सो राम मंदिर स्थापना की खुशी में सभी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट रखा गया है, जहाँ पर होगी लाइव पेंटिंग, जो कि होगी 300 मीटर लॉन्ग कैनवस पे। छोटा मोटा कैनवस नहीं है, बहुत ही बड़ा कैनवस है, जहाँ पे आएंगे बहुत सारे आर्टिस्ट और जो वहाँ पर बनाएंगे लाइव पेंटिंग। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग। और रेडी होके बस अभी निकलती हूँ और आपको बाकी की डिटेल्स वहाँ पहुँच कर ही दूंगी मैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो ड्राइव करके अब मैं पहुंच गई हूँ पुराना किला, जहाँ की अब अंदर जा रही हूँ सारा सामान लेकर। यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ का एम्बियंस बहुत ही सुंदर है। सो ये है 7th इंटरनेशनल रामायण मेला, जो कि बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। पर साइड की तरफ रखेंगे, कंधे को खींच के ऊपर की तरफ उठाइए। सो ये है यहाँ का पूरा ग्राउंड, जहाँ पे ये पूरा इवेंट अरेंज किया गया है। और साइड में आप देख रहे हैं, ये है कैनवस। वहाँ पर पूरा लॉन्ग 300 मीटर का कैनवस है, जो ये लगाया हुआ है इस तरह से कैनवस को। तो अभी एक बार राउंड मारते हैं पूरे ग्राउंड पर, और उसके बाद शुरू करते हैं अपनी पेंटिंग फॉर द डे वन। यहाँ पे कर दी है मैंने स्केचिंग और अब पेंटिंग भी शुरू कर दी है। तो आके देखते हैं हम इसका टाइम लैप्स। शाम के बज गए हैं 5 और काफ़ी सारा ड्राइंग मैंने कर लिया है, पेंटिंग कर लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी पेंटिंग्स करी हैं, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया कवरेज भी हुआ है, काफ़ी सारे आर्टिस्टों का हुआ है, रेडियो पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर में, सभी जगह पे, सारे मीडिया पोर्टल्स में काफ़ी अच्छा कवरेज दिया गया है इस पूरे इवेंट को। इनफैक्ट जब मैं ड्राइव करके घर वापस जा रही थी, तो मैंने खुद ने रेडियो पर ही इसका एड सुना, तो काफ़ी अच्छा लगा कि ये इवेंट काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रहा है और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस पूरे इवेंट में। तो बज गए हैं शाम के 7, 7:30 बज गए थे और अब हम निकल पड़े हैं अपने अपने घर सभी आर्टिस्ट। वापस जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला है, 3 घंटे लग गए पुराना किला से नोएडा पहुँचते हुए। सो आज है डे 2 और मैं फिर से सामान लेकर अपना पहुँच गई हूँ पुराना किला, जा रही हूँ अंदर की ओर। और आज है डे 2 और मैं जा रही हूँ, पहुँच ही गई हूँ अपने वेन्यू पे और ये सारा सामान लेकर। तो आपको अंदर पहुंच के मिलती हूँ, अभी मैं पहुंच गई हूँ पुराना किला। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी सारे आर्टिस्टों ने 1 डे के अंदर कितना सारा पेंटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं सभी लोग। ये पूरी पेंटिंग बन रही है सभी आर्टिस्टों ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीन लिए हैं रामायण के ऊपर, रामायण की पूरी कथा को यहाँ पे इस कैनवस के ऊपर उतार रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर सभी का वर्क देखे। तो आइए देखिए एक झलक, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं सभी लोग।
हेलो नीरज जी, हाय बोल दो। हेलो रिमी जी। हेलो क्या बजरंगबली। ये बन रही है मेरी पेंटिंग जो मैंने अभी तक कंप्लीट करी है इतनी। हेलो रेखा जी, हाँ वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे, भेजूंगी, शेयर करूंगी मतलब ग्रुप में। हेलो इधर, वीडियो वीडियो। जय श्री राम। हाय, सो ये है सभी आर्टिस्ट का वर्क जो अभी कर रहे हैं, ऑन प्रोसेस में है। और यहाँ पे बहुत अच्छा पीछे नाटक भी हो रहे थे, पीछे पूरा थिएटर शो भी चल रहा था रामायण के ऊपर। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए थे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार, मैं दिल्ली से हूँ। और ये इतना इंटरनेशनल राम मेला, राम महोत्सव, ये ICCR ने आयोजित किया है। और इसमें 60 कलाकार हैं जो 300 फुट की एक बड़ा चित्र बना रहे हैं। और 20 आर्टिस्टों का नेशनल कैंप भी चल रहा है। और इसमें 7 देशों के अलग अलग देशों से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नृत्य, नाटक, संगीत और डांस भी कर रहे हैं, जो भगवान श्री राम के ऊपर ही आधारित है। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने कॉन्सेप्ट राम और शबरी के ऊपर लिया। क्या बना रहे हो? मैं इसमें बना रहा हूँ किष्किंधा कांड के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा। सबसे पहले राम जी से हनुमान जी का पहला जो भेंट हुआ था वो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें राम जी से हनुमान जी का पहला मिलन। उसके बाद अगला सीन मैं कांड के अंदर आता हूँ, सुग्रीव जी राम जी से अपनी व्यथा बताते हुए, अपनी परेशानी, तो ये सुग्रीव जी राम जी से अपना दुख बताते हुए
फिर अगले इसी कांड के अगले दृश्य के अंदर हम दिखा रहे हैं सुग्रीव और बाली का युद्ध, जिसमें राम जी ने फिर बाली का वध किया है। राम जी का वध करने के लिए करिए और बताइए आप क्या बना रहे हो। हेलो हाय, आई एम नीरज शर्मा। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आई एम नीरज शर्मा। ये सही आएगा, इसमें एडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम नीरज शर्मा एंड फ्रॉम गुड़गांव, एंड यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जामवत। और जहाँ से रामायण में सुंदरकांड की शुरुआत होती है, सो ये हम सब लोग यहाँ पर हैं और एक गिनीज बुक में आने की कोशिश है, तो ये हमारा भी एक छोटा सा योगदान है, बाकी आप देखेंगे आगे। थैंक यू रिमी जी, आप भी बताइए। रिमी जी बताओ, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, उधर ज़्यादा साउंड आ रहा है। हेलो, मैं रिमी पठान नोएडा से, और मैं यहाँ बना रही हूँ सुरसा, और यहाँ बजरंग बली और सर बना रहे हैं जो ब्राह्मण जी, और इन दोनों के मैंने बना रही है बजरंग बली पे। जूम करो मेरे, कर दिया मैंने बजरंग बली, उनसे बात कर रहे हैं वो सुरसा के मुँह से, क्योंकि सुरसा का प्रण था कि मेरे समुद्र को कोई लांग नहीं सकता बिना, मतलब मेरा क्या बोलते उसको, ग्रास बने खाना, तो बजरंग बली वही करते हैं, उनके मुँह से निकल चुपके से निकल जाते हैं उनके नाम, तो मैं वही बना रही हूँ। अभी छोटे से बजरंग बली मेरे बन रहे हैं और इनके मुँह से निकल रहे हैं, और ये समुद्र पार अब सीधा माता के हाथ साल। तो मैंने यहाँ पे बनाया है राम जी और गिलहरी की कहानी, जो कि रामायण में थी। जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी ने अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया था उसको बनाने में, और जो कि राम जी ने उसको बहुत ही सराहा था, उस छोटे से काम की भी बहुत वैल्यू करी थी, तो उसी चीज को दर्शाते हुए मैंने यहाँ पर ये छोटा सा सीन बनाया। हेलो, माय सेल्फ रेखा परिहार, मैं दिल्ली से ही हूँ, और ये मैंने शोक वाटिका का दृश्य बनाया है। इसमें हनुमान जी ने जब सीता मैया को देखा था वो दृश्य है, पेड़ पे बैठे है, इसमें सीता मैया उदास है, और ये दिखाया, और यहाँ पे जो भाव है मुद्रिका है, यहाँ पे अभी इस पे काम होना बाकी है, और ये हनुमान जी और इन्होंने मुद्रिका जो दे दी थी वो वाला वाटिका का दृश्य। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। हो गया है डे टू ओवर, और काफ़ी हद तक काम हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आपको किसी अगले एग्जीबिशन में या अगले आर्ट कैंप में। बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।